अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर है माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के चर्चे आज भी मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा वायरल होते हैं। आज भले ही माधुरी दीक्षित बहुत ही कम गिनी चुनी फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन सबके बावजूद उनका रुतबा आज भी इंडस्ट्री में बरकरार है। ऐसा नहीं है कि माधुरी दीक्षित नई नई इंडस्ट्री में आई और उन्हें कामयाबी इतनी जल्दी हासिल हो गई, उन्होंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। साल 1984 में आई अबोध फिल्म के जरिए उन्होंने अपना पहला कदम फिल्म इंडस्ट्री में रखा था और इसके बाद उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों में उन्हें बहुत ही कम कामयाबी मिली, लेकिन उन्होंने हार कभी भी नहीं माना। एक 1984 का दौर था और एक 1988 का। अनिल कपूर के साथ 1988 में आई फिल्म तेजाब करने के बाद माधुरी दीक्षित को बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान माधुरी दीक्षित ने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया। वैसे तो उन्होंने अपने दौर के सभी सुपरस्टारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अनिल कपूर के साथ पसंद की गई और उन्हें पहली हिट फिल्म दिलाने वाले अनिल कपूर ही थे। अब 90 का दौर आते आते माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ ना काम करने की कसम खा ली। ये वही दौर था जब माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया और इस दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी हिट फिल्में दी, लेकिन फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में नजदीकियों की खबरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई और बताया जाने लगा कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। बताया तो ये भी गया कि शूटिंग से इतर दोनों सेट पर काफी समय एक साथ बिताते थे, लेकिन फिर अचानक से माधुरी ने अनिल के साथ काम करना बंद कर दिया और उनसे दूरी बना ली और ये सब हुआ था एक घटना के बाद। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए फिल्म की शूटिंग सेट पर पहुंच गई। कोई मोई की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो अनिल कपूर अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों संग सेट पर समय बिता रहे थे, तभी वहां से माधुरी दीक्षित गुजरी। माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर को उनके परिवार के साथ समय बिताते हुए देखा और उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि वह अब किसी भी फिल्म में अनिल कपूर के साथ काम नहीं करेंगी। और इसके बाद बताया जाता है कि माधुरी दीक्षित ने उसी दिन ही कसम खा ली थी कि वो अब अनिल कपूर के साथ कभी भी काम नहीं करेंगी और उनसे दूरी बना लेंगी। इस बात को माधुरी दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू में भी स्वीकार किया था। उन्होंने इस दौरान बताया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे अनिल कपूर के परिवार को नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित से एक बड़े मीडिया पोर्टल से जब सवाल पूछा गया कि वह अनिल कपूर से शादी करेंगी, तो इस बात का जवाब देते हुए माधुरी दीक्षित ने उस दौरान कहा था कि नहीं, मैं ऐसे इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो, मैं एक कुलपति चाहती हूँ। माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ बॉन्डिंग के बारे में बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि मैंने उनके साथ कई सारी फिल्मों में काम किया तो मैं उनके साथ काफी कंफर्टेबल रहती थी। हालांकि वो कसम खाने के बाद माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ दूरी तो बना ली, लेकिन करीब 17 सालों के बाद अनिल कपूर के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म का नाम था टोटल धमाल और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फिल्म में इनका किरदार पति पत्नी का था। कॉमेडी से लवरेज इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और सालों बाद माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के बाद फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए।